शुकराने की जितनी भी सूरतें हैं जो अपने ौक़ के मुताबिक जिसको भी अदा करे वो उसकी तरफ से इजहार मोहब्बत होगा जो चीज़ें शरीयत ने फ़र्ज कही हैं और जिन चीज़ों का वजूब है और उसका बाकायदा शरीयत में तरीक़ा भी बताया गया है तो वहाँ हमारे ौक़ का दखल नहीं होगा पाँच गाना नमाज का जो तरीक़ा बताया गया है उसके औकात जो बताए गए हैं उसमें क्याम रकू और सजदे की सूरतें हमारे ऊपर वाजे कर दी गई हैं मुबहम नहीं रखी गई तो उसमें हम अपने ौक़ का मुजाहरा नहीं कर सकते कि नहीं हम नमाज इस तरह पढ़ेंगे हमारा ौक़ इस तरह का है वज़ू में मेरा ौक़ ये है कि मैं पाँव पहले धूँगा और बाकी आज़ाबाद में धूँगा ऐसा नहीं है वो शरीत ने हमारे ऊपर वाजे कर दिया लेकिन जिन अमूर के अंदर शरीत ने हमें कोई इस तरह की पाबंदी नहीं लगाई किसी अमर का मुतलक हुक्म दिया है तो उसमें फिर हम इख्तियार रखते हैं जिस तरह हजूद आलाम पर दरूद पढ़ने का हुक्म दिया गया है सलाम पेश करने का हुक्म दिया गया है तो उसमें आप जिस तरह भी हुजूद आलम पर दरूद पढ़ें जिस हैत में भी दरूद पढ़ें खड़े होकर पढ़ें बैठ के पढ़ें दरूद के कलेमात, दरूद के, कलेमा, के अल्फाज इसमें कोई पाबंदी शरीयत ने नहीं लगाई मुतलक हुक्म है अलैहि वसलमु तस्लीमा दरूद पढ़ो और सलाम पढ़ो और खूब पढ़ो सुबह पढ़ो शाम पढ़ो दोपहर पढ़ो पिछले पहर उठ के पढ़ो रात की तन्हाइयों में दिन के उजालों में कोई पाबंदी नहीं लगाई गई अब यहाँ आपको इख्तियार मिलता है फिर हर शख्स का अपना ओक़ है कोई तन्हाई में बैठ के दरूद पड़ता है और कोई इज्तमाही तौर पर दरूद पढ़ता है कोई बच्चों में बैठ के दरूद की मजलिस सजा लेता है तो ये आपका इख्तियार है इसी तरह फल या फ्रह खुशी का इजहार करो तो उसमें आपका इख्तियार है आप बारा रबी अव्वल के दिन सदको खैरत किए जा रहे हैं बारह को नहीं करते तेरह को करते हैं ग्यारह को करते हैं आठ को करते हैं किसी और महीने में करते हैं हुजूर के आने पर आपको खुशी है उसका शुक्राना अदा करते हैं अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं कौलन, अमलन, रवैया नवाफल अदा किए जा रहे हैं रोज़ा रखते हैं हजूर आलाम ने ख़ुद रोज़ा रखा पीर के दिन तो अगर कोई शख्स सारे तरीक मसरत के अख्तियार कर ले खुशियों के सारे रंग इख्तियार कर ले तो इसमें क्या हार जाए कि वो रोज़ा भी रखे वो नवाफिल भी पढ़े वो सदका व खैरत भी करे वो मिठाइयाँ भी बाँटे चेहरे पर बशाशत का फरहत का इन बिसात व कैफ सरूर का इजहार भी हो लबों पर अल्लाह की तकदीस के तराने भी हों महबूब की नाते भी हों और जिक्र मुतफ़ी का नूर माहौल में फैल जाए और वो अल्लाह का शुक्र बजा ला रहा हो और उसका रवा रवा बोल रहा हो कि मुझे हुजूर के आने पे मुसरत है खुशी है तो ये सारे तरीक भी अख्तियार किए जा सकते हर शख्स की अपनी कैफियत मैंने कहा इस पर ख़ाम खवा इतनी ज़िद्द भी नहीं करनी चाहिए कि जो मेरा क़ है हर शख्स को कोक़ के मुताबिक ही आना पड़ेगा ये नहीं है जिसका जो क़ है उसक़ में वो अपनी महब्बत का इजहार कर सकता है चूँकि इसमें कशादगी दी गई है इसमें फरहत के इजहार का मुख्तलफ अंदाज हो सकता है और माजी के अंदर भी ऐसा होता रहा है मुख्तलि बुज़ुर्गों ने मख्तल तरीक़े अख्तियार किए ये जो महफिल मीलाद का अंदाज़ है ये फरहत का इज़हार भी है और तबलीग का ज़रिया भी है मां ने इसको इसलिए ज़्यादातर अख्तियार किया कि इससे सारी चीज़ें तकरीबा इसमें जमा हो रही होती हैं आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं फिर शुक्राना के नवाफल अदा करते हैं, हुजूर का ज़िक्र होता है हुजूर आई के मौजाद का बयान होता है हुजूर के हुस्न के तस्करे होते हैं हुजूर के फ़ाइल हुजूर की सीरत हजूर आई के खसाइल और मदह सताइश नजम में नसर में हुजूर पर सलाम बार बार दरूद पढ़ना और हुजूर के लाए हुए दीन की अहमियत लोगों के सामने रखना और दीन को इख्तियार करने की तलकिन करना ये सब कुछ महफिल मिलाद में होता है बाद में फिर मिठाइयाँ तब्रक या शुरू में खाना या बाद में खाना वो भी शामिल हो जाता है तो ये सारी खुशियों का और इजहार के जितने भी सलीके और तरीके हैं उनका एक मजमू है तो इसको महफिल मीलाद कह देते हैं अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो शरीयत के मिजाज से मुतसादम हो तो इस पर किसी को भी मेरा ख़्याल एतराज़ नहीं होना चाहिए तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप अपने घरों में हर पीर का मामूल बना लें पीर को रोज़ा रखें बच्चों को भी रोज़ा रखवाएं। जो शुगर के मरीज़ हैं मैं उनको जोर नहीं देता बाकी जिनसे मुमकिन हो तो वो ज़रूर पिर का रोज़ा रखें आप इससे सेहत भी पाएंगे आज भी मदीनतमनवरा में लोग कसरत के साथ पीर शरीफ का रोज़ा रखते हैं ये मामूल बना लें और इफ्तार के वक्त जो आप दस्तरखान बिछाएं बिछाएँ उसमें अपने बच्चों को भी अपने साथ बिठाएँ और हजूर अलैहिस्सलाम पर दरुद पढ़ें हुजूर की सीरत का कोई एक वाक़ सुना दें हजूर का कोई एक मोज़ा उनके सामने रख दें आका करीम सलाम के हुसन का कसीदा उनके सामने पढ़ दें किसी उज्व बदन की खूबसूरती और शमाइल का तस्करा उनके सामने रखें और फिर नतीजा आप देखना उसके बाद दुआ करके इफ्तार कर लें खाना खा लें और ये सिर्फ आठ दिन के बाद आप करें आठ दिन में दो मरतबा कर सकें जुमे और पीर दो दिन कर सकें तो और अच्छा तो एक दिन कम अज़ कम ये मुकर कर दें अगर किसी वजह से आप पीर के दिन नहीं कर सकते कोई और दिन मुकर कर लें ये सारे अल्लाह के दिन हैं तो आप देखेंगे कि इसके असरात आपकी नस्ल के अंदर मुंतकिल होंगे